उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती ने 16 दिसंबर के उन्नाव एसएसपी ऑफिस के गेट पर खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद से पीड़ित को उन्नाव जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया था। वहीं आपको बताते चले कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, बीती शनिवार की देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अधिकारी दुखी परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। क्या पूरा बताओ अपने मन से पूरा। वो तो पापा से बोल के गए, चाचा साहब मैं तो साइड में था। वो तो परिवार के ही सदस्य आप। डीएम साहब ने ये बोल के गए हैं कि 25 लाख रुपए और घर में एक एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। ये अभी भी बोल के गए हैं। दुखद घटना है, क्योंकि मैं उन्नाव की बेटी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अपार दुख है। और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हर संभव हम लोग महिलाओं का जो भी हम लोगों का संभव होगा प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं रुके। और हम सरकार से, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारी भारत सरकार की सरकार हो, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। आपके द्वारा क्या है? हाँ, मैं अपनी मेरी जो राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश प्रभारी है, मैं उन तक बात करूँगी। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय लल्लू जी, उनसे मैं बात करके निश्चित कुछ आखिरी रूप की मदद करने का पूरा प्रयास करूँगी। बच्चों की जांच कर रही है। जो मुख्य आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज सुरक्षित रूप से, जो पीड़िता थी जिसका शव यहाँ पर गांव में आया था, उसको सुरक्षित रूप से ससम्मान उसका अंतिम संस्कार करवाया गया है। और पुलिस सारे बच्चों की जांच करके इसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, पीड़िता की मौत हो गई तो क्या इसमें कोई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा? जो भी विधिक धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आरोपी को अरेस्ट किया जा चुका है।